नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने UPSC की तैयारी की और इसी के दौरान इनका UPSI में सिलेक्शन हो गया। और UPSI का मतलब उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर। तो ये अभी सब इंस्पेक्टर हैं। कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है? मुरादाबाद में हुई है। अच्छा, तो मुरादाबाद में इनकी पोस्टिंग हुई है और अभी हम लोग जो शूट कर रहे हैं ये मुखर्जी नगर में हम लोग शूट कर रहे हैं और अभी भी ये तैयारी ही कर रहे थे, तो अभी पोस्टिंग पे ये जाएंगे। तो सबसे पहले इनसे मैं इनका परिचय पूछना चाहूँगा, आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दो। मेरा नाम शिवानंद सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन और सारी पढ़ाइयाँ वहीं से की हैं। उसके बाद मैं प्रिपरेशन के लिए SSC की प्रिपरेशन के लिए पटना गया था और वहाँ से मैंने SSC की तैयारियाँ की। उसी दौरान मैंने GS के क्लास लिए एक सर से। तो फिर मेरे सर ने कहा कि बेटा, अगर एक लाइट है, अगर उसको तुम सामने लगाओगे तो थोड़े एरिया में रोशनी होगी, लेकिन अगर तुम उस लाइट को अगर ऊपर लगाते हो तो पूरे रूम में प्रकाश होगा। कहने का उनका मतलब था कि जो तुम्हारे अंदर है पोटेंशियल, अगर उसको तुम बड़े लेवल पे करो तो तुम बड़ा कर सकते हो, इसलिए तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो। तो उन्होंने सलाह मुझे दिया था और फिर बाद में मैं GS पढ़ने लगा। फिर उसी बीच मैंने UPSI का फॉर्म भरा था। अच्छा, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। हालांकि मेरा GS में मार्क्स ज़्यादा थे हिंदी में भी, लेकिन मैथ और रीजनिंग बहुत दिन से छूट गया था, इसलिए उसमें ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन फाइनली अच्छे नंबर आए तो सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन के बाद कैसा लगा? मतलब घर गए होंगे, मिठाइयाँ बांटी होंगी, उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, सिलेक्शन के बाद तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। घर परिवार वालों को ज़्यादा खुशी मिली, अच्छा। हमें भी मिली, लेकिन हमारा लक्ष्य तो और आगे है इससे, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है, आगे ऐसे ही तो चलती आगे रहेगी। आपने क्या सोचा है कि ये SI को SC में कैसे बदलोगे आप? मतलब UPSI को UPSC कैसे बनाओगे आप? इसके बारे में क्या सोचा बिल्कुल, आपने? एक लेटर को बदलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। और ड्यूटी पीरियड में रहते हुए इसको अचीव करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन फिर भी मैं अपना जितना हो सके अपना 100% देने की अच्छा, कोशिश आपने करूँगा। कोचिंग भी ली थी क्या इधर आकर, जब दिल्ली आए आप? कब आए दिल्ली आप? दिल्ली में 2-3 महीने पहले आया था। अच्छा, उसके और पहले उधर ही पटना में तैयारी कर रहे थे हाँ, आप? उससे पहले मैं पटना में अच्छा, तैयारी कर रहा था। तो मेहनत वहाँ की थी, सफलता यहाँ हाँ, पर मिली। मेहनत वहाँ की थी, रिजल्ट मुझे यहाँ अच्छा, ही आने यही। के बाद या आया, उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही रिजल्ट तो आ गया कोई मेरे। कोचिंग ज्वाइन की थी आपने? हाँ, मैंने एक कोचिंग ज्वाइन तो की थी, लेकिन अभी उसमें कर नहीं रहा हूँ क्लास। अच्छा, हाँ, तो फिलहाल मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। तो और यहाँ रहने का कैसा अनुभव रहा मुखर्जी नगर में? एक मेरे दोस्त है, उनका नाम है शुभम, उन्होंने ही मुझे बताया। और जो यहाँ रहने का जो भी है वही हमें रूम दिलाया और सब बताया इसके बारे में। देखिए, हम लोग सब आते हैं ना, तो कोई ना कोई हमारा दोस्त होता है इधर, तभी हम लोग को रूम मिल पाता है, नहीं तो पता ही नहीं हाँ, रहता पता क्या ही नहीं कैसे, चलता है। तो है ना? उन्होंने मुझे PG दिलवाया, उसके बाद तो फिर तो PG में कितना लग रहा है अभी आपको? PG में वही मेरा 7,500 लग जाते हैं। अच्छा, 7,500। और एक्सटर्नल खर्चे वगैरह जोड़ के कितना हाँ, महीने का खर्चा हो महीने के जाता है दस यहाँ? हज़ार खर्च हो जाते हैं। 10,000 में हो जाता है हाँ, पूरा? 10,000 में हो जाते हैं नॉर्मल ये सब। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो उसका छोड़ के, लेकिन बाकी खर्चे 10,000 में हो जाते हैं। और नोट्स वगैरह कैसे खरीदते हो, क्या करते हो आप, पढ़ाई कितने घंटे करते हो, ये सब बता दो आप। पढ़ाई तो मेरा कोई फिक्स वो नहीं है कि मैं 8 घंटे, मेरे एक स्टेमिना के ऊपर है। जिस दिन मेरा मन करता है मैं 8-10 घंटे पढ़ लेता हूँ, किस दिन थोड़ा कम हो, लेकिन हाँ एवरेज है तो 5-6 घंटे पढ़ ही लेता हूँ। और इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, किसी दिन ज़्यादा भी पढ़ लेता हूँ, किसी दिन कम भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन एक मिनिमम और है कि हाँ 5-6 घंटे पढ़ लेता हूँ। अच्छा, और ऑप्शनल में आपने क्या रखने का सोचा है? ऑप्शनल में बहुत सोचने विचारने के बाद 2 सब्जेक्ट आया जिसमें मेरा, वैसे तो मेरा कोई बैकग्राउंड रहा नहीं है आर्ट्स का, ग्रेजुएशन किसे किया आपने? ग्रेजुएशन मेरा मैथमेटिक्स रहा अरे है, अरे, फिर तो तो इस उससे नहीं कर सकते आप। तो मैथमेटिक्स से रहा है। और मैथमेटिक्स भी कोई उतनी अच्छी नहीं है कि उससे लेके किया जाए, तो फिर मैंने हिंदी लिटरेचर लेना, क्योंकि इसमें मतलब ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, सिलेबस से लेकर के और मार्क्स दोनों के अगर कंपैरिजन देखा जाए तो हिंदी लिटरेचर अच्छा है। हिस्ट्री भी है, लेकिन हिस्ट्री थोड़ा बहुत लेंदी पड़ जाता है, इसलिए सोचा कि हिंदी ऑप्शनल सही है। हाँ, तो हिंदी ऑप्शनल तो आप वही विकास दिव्यकीर्ति की लेक्चर उन्हीं देख सर वीडियोस का, देखते हाँ उन्हीं होंगे। सर का वीडियोस देखते हैं। अच्छा, और आगे अब आप जब पोस्टिंग पे जा रहे हो उधर उत्तर प्रदेश, तो वहाँ की चुनौतियाँ क्या होगी आपको तो पता होगा, आप तो उत्तर प्रदेश में ही रहे हो हाँ हमेशा, बिल्कुल, तो उधर पुलिस बनकर जाओगे आप, SI मतलब क्या क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ आप
एसआई का काम तो है कि जो ग्रामीण लेवल पे या फिर ग्राउंड लेवल पे जो भी क्राइम होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं, उनको डील करना, और ख़ास करके यूपी में सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। तो चुनौतियाँ तो बेसिक यही हैं, और इन्हीं को देखना हुआ, इन्हीं को देखते हुए आगे अपनी तैयारी भी जारी रखनी है। तो अगर देखा जाए तो पुलिस विभाग में काम ही बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, सुबह 9 से शाम तक के ड्यूटी होती है, उसके बाद भी आपको ओवर टाइम भी मिल जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, कुछ वैसा केस हो गया तो आपको रात को भी जाना पड़ सकता है। तो ड्यूटी की अनिश्चितता है और टाइम का बहुत, और उसके बाद प्रेशर भी ऊपर से है बहुत ज़्यादा इसका, फिर भी इसमें इंसान अगर चाहे तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि एसआई में होने के बाद इंसान पुलिस सेवा में जाते ही भ्रष्टाचारी हो जाता है, वो मतलब शराब वड़ा पीने लगता है, पेट वगैरह निकल जाता है। आप तो एस्पिरेंट हो, तो आपको तो कुछ अलग अप्रोच रखना ही पड़ेगा, है ना? तो वो अप्रोच आपका कैसा होगा, एस्पिरेंट के नज़रिए से कैसे करोगे आप? उसके बीच में आपको तैयारी भी करनी होगी, है ना? तो उसके बारे में आप बताओ कि कैसे संतुलन बनाओगे काम पे भी और पढ़ाई पे भी। आप जैसा कि मेरा दिनचर्या शुरू होता है योगा और मेडिटेशन से, तो खास करके मैं योगा पे विशेष ध्यान देता हूँ और मेडिटेशन पे भी। तो जहाँ तक हेल्थ ये आप कब से करते, मतलब सबसे पहले योगा और मेडिटेशन के बारे में कैसे जाना? योगा और मेडिटेशन के बारे में मैंने यूट्यूब से ही देखा है, और वहीं से बहुत सारी वीडियो रहती हैं, तो धीरे धीरे देखते देखते उसमें इंटरेस्ट आ गया। अच्छा। और कहीं और भैया लोग भी थे तो उनसे भी थोड़ा गाइडेंस मिला, घंटे रहते हैं। तो आपकी दिनचर्या सुबह योगा और मेडिटेशन से शुरू होती है, उसके बाद फिर? उसके बाद फिर स्टडी करते हैं, और वही 2 घंटे स्टडी के बाद फिर ब्रेकफास्ट होता है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, उसके साथ और 1-2 सब्जेक्ट पढ़ना, फिर उसके बाद लंच करते हैं, और फिर थोड़ा रेस्ट लेते हैं 1 से 2 घंटे। उसके बाद रेस्ट लेने के बाद फिर अपना पढ़ाई शुरू होता है, शाम तक चलता है। तो यहाँ वो माहौल मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप उधर जाओगे उत्तर प्रदेश में पुलिस सेवा में रहोगे आप, तो वो माहौल नहीं मिलेगा। जहाँ आप बैठे हो आपके सामने कोई सिगरेट पी रहा है, मतलब आप ही के साथी, तो उस समय आप कैसे मेंटेन करोगे, क्या करोगे आप वो बताओ, मतलब कोप अप कैसे करोगे और कैसे अपने आप को यूटिलाइज करोगे, एस्पिरेंट के नज़रिए से कैसे रहो रह सकते हो? बिल्कुल, ये चीज़ तो है कि इंसान जब जाता है तो वहाँ का जो माहौल होता है उसमें ढलता है, लेकिन एक होता है दृढ़ संकल्प इंसान के अंदर, इच्छा शक्ति उसकी, अगर वो खुद से चाहता है कि नहीं मुझे ऊपर जाना है, तो वो किसी भी विषम परिस्थिति में रहेगा वो अपना रास्ता अपना टाइम निकाल ही लेगा उस चीज़ को करने के लिए। तो जैसे कीचड़ में कमल खिलता है उसी तरह से, तो ज़रूरी नहीं है, हाँ माहौल का असर रहता है, लेकिन अगर इंसान खुद से मोटिवेटेड हो तो माहौल भी उसका कुछ नहीं कर सकता, वो जो करना रहेगा कहीं से कहीं। ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो रोड पे ड्यूटी करते हुए एयरफोन लगा के सुनते थे, और उनसे उन्होंने वीडियो बहुत सारी देखी हैं ड्यूटी पीरियड में। तो अगर इंसान पढ़ना चाहे तो वो समय ज़रूर मिलता है, 3-4-5 घंटे अगर वो चाहे तो उसी में अपना निकाल के पढ़ सकता है। तो जैसे कि आप पुलिस सेवा में जा रहे हो और वर्दी की आदत भी आपको लग सकती है, तो आप आईपीएस चुनोगे या आईएएस चुनोगे, क्या आगे का नहीं? क्या फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरा आईएएस ही है, सेकंड पे आईपीएस है। अच्छा। वर्दी तो मिल रहा है, ये तो मैं कर रहा हूँ इसलिए कि अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई सिक्योर जॉब नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, फिर आगे तैयारी करनी है। अगर मेरे पास कुछ वैसा रहता तो मैं अभी प्रिपरेशन ही करता, बाद में इसको ज्वाइन करता, लेकिन मैं अभी इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, कुछ आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ कि दोनों साथ ही लेके चलूँ। यही सही रहता है जीवन में कि एक बगल आप सिक्योर कर लो, जो हमारे घर वाले भी कहते हैं, सबके विद्यार्थी के घर वाले कहते हैं कि पहले एक जगह सिक्योर हो जाओ, फिर आगे जितनी महत्वाकांक्षाएँ पूरी करनी है करते रहो। तो ये अच्छा अप्रोच है आपका, आप सफलता भी पाए, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आप जीवन में बहुत आगे जाओ, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।